नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कालक सभी के एक और नई वीडियो में। तो फाइनली वे अपने सामने है महिंद्रा की बुलेरो 6 ऑप्शनल वेरिएंट, जिसका एक छोटा सा डिटेल्ड बैकग्राउंड रिव्यू करेंगे और जानेंगे इस बुलेरो के VS6 ऑप्शनल वेरिएंट में क्या कुछ आपको फीचर मिलते हैं और क्या प्राइस रेंज देने वाली है। सबसे पहले फ्रंट फेसिया की बात की जाए तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं, बढ़िया फ्रंट फेसिया है, अच्छी फ्रंट फेसिया लगती है और ये गाड़ी एक मल्टी लेवल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले फ्रंट से या क्रोम फिनिश में आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है, वहीं पे आपको कुछ इस तरह से डिजाइन मिल जाएगा जो कि काफी स्टाइलिश है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के ऑप्शंस भी प्रोवाइड कराए गए हैं, साथ में यहाँ पे आपको इंडिकेटर DRL में 3D हेडलैम्प का ऑप्शन मिलेगा और नीचे से फॉग लैम्प का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बाकी नीचे से ग्लाइडिंग आप देख सकते हैं, बढ़िया ग्लाइडिंग लगी हुई है, हेडलैम्प काफी ठीक ठाक विजिबिलिटी पे है और काफी अच्छी जो है आपको यहाँ से गाड़ी की फ्रंट फेसिया मिल जाती है, जस्ट फ्रंट लुक आप यहाँ से समझ पाएंगे। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी की अच्छी लेंथ भी साइड मिलेगी, 180mm का बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं टायर प्रोफाइल जो कि काफ़ी ठीक ठाक मिलता है, 215/75R15 के साथ टायर साइज यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसी के साथ ये मिरर बॉडी कलर यहाँ पे आपको मिलने वाला है, लेकिन डोर हैंडल जो है वो ब्लैकआउट मिल जाता है। फुटरेस्ट वगैरह यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बुलेरो VS6 ऑप्शनल की बेजिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, ऊपर से रूफ रेल का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल ये तो देखिए हमने गाड़ी की साइड प्रोफाइल, अब अगर रियर प्रोफाइल की बात की जाए और साइड प्रोफाइल को लेकर तो दोनों ही काफ़ी अच्छी निकल के आ जाती हैं, काफ़ी अच्छी दिखती हैं। यहाँ से आपको वही 3D हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है एंड कुछ स्टेपनी के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पीछे से ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सपोर्ट यहाँ पे मिल जाती है, 2 रियर पार्किंग सेंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ऊपर से वाइपर का ऑप्शन, हाई स्टॉप माउंट टेल लैंप आपको काफ़ी ऊपर मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक अंदर से करने के लिए बटन एंड उसी के साथ 2 सीट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर के लिए, लेकिन बूट स्पेस यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। गाड़ी के डायमेंशन की बात की जाए तो 3995mm की लेंथ मिल जाती है, 1745mm की विड्थ और 1880mm की यहाँ पे आपको हाइट मिल जाती है। अच्छा बूट स्पेस अगर कहें तो 370 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑन स्पेसिफिकेशन, वहीं पे 7 सीटर ये गाड़ी आपको मिल जाती है। 2680mm का बढ़िया व्हील बेस भी यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी ठीक ठाक रहता है। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर के स्पेस को लेकर कि कितना स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सेकंड रो है इसकी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसियस काफ़ी है और ये वाला जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आपको कम्फर्ट ठीक ठाक मिल जाएगा। यहाँ एड्रेस एडजस्टेबल मिल जाएंगे, पीछे हालांकि कोई भी हेड रेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलने वाला है, यहाँ से स्पेस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब बढ़ते हैं गाड़ी के इंटीरियर की ओर कि इंटीरियर में क्या कुछ आपको मिल जाता है और किस टाइप यहाँ पे आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ड्राइवर डोर को लेकर तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक जो है ड्राइवर डोर यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे स्पेस काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाएगा। सीट की बात की जाए कुछ इस तरह से सीट है, यहाँ पे आपको फुट रेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इजिली यहाँ पर अंदर से बैठ के चेकआउट कर सकते हैं। आइडियल स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको की मिल जाएगी जो कि नॉर्मली फिलिप की रहती है, लेकिन रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी डैशबोर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं, हालांकि बढ़िया डैशबोर्ड है, अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस एसी के मिल जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम की डिस्प्ले यहाँ पे अच्छी ठीक ठाक मिल जाती है, एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी, ग्लोव बॉक्स की अगर बात की जाए तो बढ़िया ग्लोव बॉक्स भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसी के साथ महिंद्रा का लोगो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और एसी के मैट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से गियर नॉब काफी स्टाइलिश है, स्पेसियस काफी है गाड़ी, अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं चारों पावर विंडो, कुछ लॉक अनलॉक के बटन आपको मिल जाएंगे, कप होल्डर के ऑप्शन मिल जाएंगे। भाई पूरा ध्यान रखा गया इस गाड़ी में स्पेस को लेकर। उसके साथ साथ जो डैशबोर्ड है वो भी काफी प्यारी विजिबिलिटी दे देता है, यहाँ से आपको नॉर्मल IRBM मिल जाता है, ये चीज कुछ नॉर्मल रहने वाली है, यहाँ पे आपको मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे माइक मिल जाएगी और लाइट कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है जैसे कि आप यहाँ से समझ पाएंगे। सो फाइनली डैशबोर्ड यहाँ पे आप देख चुके हैं, अच्छा डैशबोर्ड है, काफी प्यारी विजिबिलिटी दे देता है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जो है स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्ट करके ही आपको पता चल जाता है। यहाँ पे आपको सारे सर्विस रिमाइंडर, डिस्टेंस टू एम्पटी से लेके सारे कुछ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसको ऑफ करते हैं, अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस को लेकर कि किस तरह से आपको गाड़ी में जो है इंजन स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है 1493cc इंजन जो कि 74.96 BHP की पावर, 210 Nm का टॉर्क यहाँ पे आपको जनरेट कर दे देता है। उसके बाद एक्सोरूम प्राइस देखा जाए तो 10,91,000 रुपये का आपको एक्सोरूम प्राइस यहाँ पे आपको मिल जाता है। वहीं पर अगर माइलेज की बात की जाए तो 16 KMPL का माइलेज यहाँ पे महिंद्रा ने क्लेम करके रखा है जो कि काफ़ी ठीक ठाक इस गाड़ी के साथ आपको 1500cc इंजन के साथ माइलेज
मिल जाता है। वहीं पर सेफ्टी फीचर की बात की जाए, डुअल एयरबैग, एबीसीडी ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर, ऐसे सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि महिंद्रा की बोलेरो BS6 ऑप्शनल में क्या कुछ आपको फीचर मिल जाते हैं और किस तरह से ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।